जैसे कि मिनिस्टर साहब ने कहा कि इंटरनेशनली 25% आपका एरिया जो है ना वो फॉरेस्ट पर मुहित होना चाहिए, तो बदकिस्मती से इस हुकूमत के आने से पहले हमारे पाकिस्तान का जो इशारा था वो सिर्फ 4.8% था, जो कि बहुत ज़्यादा कम था। लेकिन बग़ैर इसके कि मैं एक सिविल ब्यूरोक्रेट हूँ, मैं फुल क्रेडिट PTI की हुकूमत को दूंगा, ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा में, कि पिछले 8 सालों से मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। मैं इससे पहले कमिश्नर मलाकंड डिवीज़न रहा हूँ, कमिश्नर हज़ारा डिवीज़न में रहा हूँ, और पाकिस्तान की जो मेजर और मेनली जो फॉरेस्टेड एरिया है वो मलाकंड या हज़ारा डिवीज़न है। तो मैं इनको ये क्रेडिट दूंगा, सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो इनको मैं दूंगा कि इन्होंने जंगलात की कटाई पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है, और इससे पहले ये एक्सरसाइज कभी हुई नहीं थी, तो ये एक सबसे बड़ा मुस्बत कदम था। फिर उसके बाद उन्होंने 1 बिलियन सोनामी ट्री का इनिशिएटिव लिया। ये जो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का जो मुहिम है उस मुहिम का हिस्सा है, और इंशाल्लाह जो 10 बिलियन ट्रीज़ का उसने हमें टारगेट दिया है, इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा पिछले 5 साल में भी जो बिलियन ट्री सुनामी में जो हिस्सा ले चुका है और उसको कंप्लीट किया है, बिल्कुल जितना हमारा टारगेट था वो सब कुछ किया है। इस मरतबा भी इंशाल्लाह हम अपना हिस्सा डालेंगे और भरपूर हिस्सा डालेंगे, और इंशाल्लाह ये क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान जो है ये ख्वाब हम ज़रूर शर्मिंदा तबीर करेंगे। ये आइंदा नस्लों के लिए भी ज़रूरी है, हमारी माहौलियात के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंजेस आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में इस पर काम हो रहा है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए 25% के इलाके पर उसके दरख्त होना बड़ा ज़रूरी है, और हमारे मुल्क में बदकिस्मती से हम इस परसेंटेज से अभी काफ़ी दूर हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि जिस तरह पिछली हुकूमत में भी कि बिलियन ट्रीज सुनामीज, और इस दफ़ा इन्होंने ट्रिलियन ट्रीज का मंसूबा बनाया, इंशाल्लाह ताला हमारा ये ख्वाब है कि ग्रीन पाकिस्तान हो, और उससे हमारे मुल्क में ये जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर है इस मुल्क का, वो भी ठीक होगा और माहौल भी